गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी से। आज मैं और मेरी टीम आए हैं महाराष्ट्र में। हम लोग कॉलेज रिव्यू कर रहे हैं और महाराष्ट्र में आज हम जो कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं वो डॉक्टर विट्ठल राव भीके पाटिल मेडिकल कॉलेज है। ये कॉलेज का अप्रोच रोड है जो आप देख रहे हो, ये आपको अहमदनगर में स्थित है और अहमदनगर सिटी से ये आपको अराउंड 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आसपास की जो लोकेलिटी हमने देखी वो आपको जो है रेसिडेंशियल है, पॉपुलेशन है आसपास। ये अप्रोच रोड देख रहे हो जो अहमदनगर तरफ से आ रही है। अब हम ये कॉलेज के सामने आए गए हैं, आप देख रहे हो ये डॉक्टर वी के पाटिल फाउंडेशन है मेडिकल कॉलेज। अब गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम कॉलेज जाएगी और कॉलेज के अंदर आपको हम लोग रिव्यू करेंगे, फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के बारे में देंगे। सो अभी हम कैंपस के अंदर इन कर गए हैं। ये आपका कैंपस है। ये आपको मेडिकल कॉलेज ये एरिया है, ये आपको कॉलेज की बिल्डिंग्स है। अब हम लोग रिव्यू करेंगे। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से। आज मैं और मेरी टीम है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में जिस कॉलेज का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो कॉलेज है वीके पाटिल अहमदनगर। सो अभी हम लोग कॉलेज के एरिया में हैं, कॉलेज कैंपस के अंदर हैं। बेसिकली हमारा मोटिव भी है कि आप लोगों को हम ग्राउंड से कॉलेज के बारे में बताते हैं, जहां कोई गैप ना हो, हर फैक्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टेट हमने कवर किया, अभी हम महाराष्ट्र के कॉलेज को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको ग्राउंड रियलिटी आपको हम बताते हैं, जिससे आपको कॉलेज सिलेक्शन में आपको आसानी होती है, जिससे आप बेहतर कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो और कॉलेज के बीच आप डिफरेंस कर सकते हो। सो मैं आपको वीके पाटिल के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। वीके पाटिल मेडिकल कॉलेज अहमदनगर में है। अहमदनगर से सिटी से इसकी डिस्टेंस 13 किलोमीटर के अराउंड है और जो है आसपास की लोकेलिटी में पॉपुलेशन है। सो पेशेंट फ्लो आपको डिसेंट मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं कॉलेज की पहले बात कर लेता हूँ, कॉलेज आपको 200 का इंटेक है, 2003 में इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, एकेडमिक वाइज अच्छा है कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजी पीजी कोर्स दोनों अवेलेबल हैं। हमने बच्चों से बात करी तो बच्चे सेटिस्फाइड हैं एकेडमिक से यहाँ। और इसके अलावा अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नंबर्स तो नहीं बोलूँगा, हाँ बट डिसेंट नंबर है आपको सीखने के लिए। लगभग आपको मुझे लगा 700-800 हम लोगों ने जो कॉलेज विजिट किया, तो 700-800 पेशेंट फ्लो एवरेज पर डे है। इसके अलावा यहाँ आपको कैंसर हॉस्पिटल्स भी हैं अवेलेबल और जो है लगभग डिपार्टमेंट वाइज आपको मेजर डिपार्टमेंट में आपको पेशेंट है जो आपको एटलीस्ट आपको पीजी स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए मिले। पीजी में लगभग मेजर ब्रांच सारी हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कैंपस की तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आप इधर दिखाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो आपको स्पोर्ट्स में सारी फैसिलिटी मिलेगी, स्पोर्ट्स में आपको हर चीज़, स्विमिंग पूल, आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी मिलेगी। अगर मैं हॉस्टल कैंपस की बात करूँ तो बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग हैं, कैंपस के अंदर ही हैं। बॉयज़ में 3 सीटिंग का शेयरिंग है, 3 मतलब एक रूम में 3 शेयरिंग है और गर्ल्स में 2 शेयरिंग है। 9:30 लास्ट है, आप 9:30 को अटेंडेंस होता है और जो है वो लास्ट है, उसके बाद आप हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। ओवरऑल कैंपस अच्छा है, अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ है, ग्रीन कैंपस है। मैं थोड़ा कॉलेज
का आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक बार आप दिखाएं, आप जो इस साइड हॉस्पिटल है, आपको हॉस्पिटल, इसके अलावा अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 960 बेड का हॉस्पिटल है। इधर रेसिडेंशियल है फैकल्टी के लिए। अगर इधर देखेंगे तो आपको जो है कॉलेज है, मेडिकल एकेडमी है। तो ये सारा आपको कैंपस का स्ट्रक्चर है। ओवरऑल आपको महाराष्ट्र का मैं थोड़ा बता देता हूँ। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, यहाँ आउटसाइड के बच्चों को नॉर्मल सीट्स पे अलाउ नहीं है। अगर आप बाहर के हैं, महाराष्ट्र के बाहर के स्टेट हैं, तो आपको यहाँ NRI कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा में एडमिशन लेना पड़ेगा, बट वो बहुत ही आपको बजट वाइज बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत नॉमिनल है। आपको कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट के तरफ से स्कॉलरशिप भी है। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी में फ्री एजुकेशन है, आपको ट्यूशन फीस नहीं है। इसके अलावा फूडिंग, लॉजिंग, एकोमोडेशन, इन सब की आपको पे करना है। तो ओवरऑल एकेडमिक बहुत ही आपको यहाँ पे सस्ता है, ठीक है। अगर कैटेगरी में है, स्कॉलरशिप में है, तो और भी आपको सस्ता पड़ेगा। कॉलेज हमें अच्छा लगा। अगर आपका कट ऑफ है, आपका स्कोर अच्छा आता है, तो आप कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। जहाँ तक फैसिलिटी की आसपास है, आप यहाँ पे आपको कैंटीन वगैरह आपको अंदर में सारे मिलेंगे। इसके अलावा आप 13 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके अहमदनगर से और भी आपको जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। तो साइन ऑफ करते हैं गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम, और अब हम दूसरे कॉलेज में आपसे मिलते हैं और वहाँ के डिटेल आपको शेयर करते हैं। नमस्कार।